सो व्हाट्स अप पीपल, क्या हाल चाल है आपके। इट्स योर बॉय हर्षवर्धन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप कैसे एक सिंपल से चीट कोड का यूज करके पोकेमोन एमुलेट वर्जन गेम में शाइनी पोकेमोन्स को इजीली कैच कर सकते हो। लेकिन इसी चीट कोड में आपको एक छोटा सा ग्लिच देखने को मिल सकता है, तो इस ग्लिच को कैसे अवॉइड करना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक और ध्यान से देखते रहिए। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उस पर जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी गेम में एक पेज को सेव कर देना है, बिकॉज जब आप ये प्रोसेस यहाँ पर कर रहे होगे तो इसी बीच में कहीं आपके गेम का सेव डेटा लॉस ना हो जाए, तो इसके लिए आपको एक पेज को सेव कर देना है। तो गाइस, मैंने आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करने का जो चीट कोड है वो आपको टाइप करके दे दिया है। तो आपको सिंपली वहां से उस चीट कोड को कॉपी करके अपनी गेम में ऐड कर देना है, जैसा कि मैंने अभी अपनी गेम में ऐड करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। तो गाइस, आपको यहां पर चीट नेम में टाइप करना है शाइनी पोकेमॉन एंड ओके। और यहाँ पर जो चीट टाइप है गाइस, इसको यहाँ पर आपको चूज करना है ऑटो डिटेक्ट। उसके बाद गाइस, यहाँ पर जो चीट कोड है इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर ओके कर देना है और यहाँ पर आपको इस चीट कोड को सेव कर देना है। अब गाइस, आपको यहाँ पर इस चीट कोड को एक्टिवेट करके अपनी गेम में बैक आ जाना है। चीट कोड को गाइस यहाँ पर एक्टिवेट कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर सिंपली ग्रास में आना है। तो आपको यहाँ पर ग्रास में ईजिली शाइनी पोकेमॉन मिल जाएंगे। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर गेम प्ले में देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पर एक शाइनी पोकेमॉन ईजिली मिल चुका है, जो कि है पोचियाना शाइनी पोकेमॉन। तो इसको गाइस मैं यहाँ पर सिंपली कैच करने के लिए मास्टर बॉल का यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी मास्टर बॉल फिलहाल अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर सिंपली मास्टर बॉल का यूज़ करता हूँ। तो गाइस, अभी आप यहां पर देख सकते हो हम जो मेरा पोकेमोन था शाइनी, वो मैंने यहां पर इजीली कैच कर लिया है। तो उसके बाद गाइस, आपके सामने जैसे गाइस अभी ये ऐसा पेज ओपन हो, तो गाइस आपको यहां पर इस चीट कोड को यहां पर सिंपली ऑफ कर देना है। उसके बाद गाइस, आपको अपनी गेम में बैक आना है। अब आपको यहां पर नो सेलेक्ट कर देना है। तो गाइस अभी आप यहां पर देख सकते हो कि हमारा जो शाइनी पोकेमोन था वो यहाँ पर इजीली कैच हो चुका है। तो गाइस, मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे इस चीट कोड का यूज करना है और कैसे ग्लिच को अवॉइड करना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई सवाल या सुझाव हो तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो पे काम करने के लिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।